नया निरहुआ के ढलते करियर का जिम्मेदार कोई और नहीं पवन सिंह है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि पवन सिंह तो निरहुआ को अपना बड़ा भाई मानते हैं, तो उनके ढलते करियर का रिस्पॉन्सिबल वो कैसे हो सकते हैं? तो आपको हम कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिससे आप ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि कहीं पवन सिंह रिस्पॉन्सिबल तो नहीं है निरहुआ के ढलते करियर के लिए। तो आइए देखते हैं अपनी ये रिपोर्ट। 2019 की शुरुआत होती है और बात आती है कि 25 जनवरी को निरहुआ चलन लंदन रिलीज होगी, लेकिन यह फिल्म 25 की जगह 15 फरवरी को रिलीज होती है। बताया जाता है कि निरहुआ की फिल्म को लेकर दर्शकों में काफी एक्सपेक्टेशन था कि फिल्म की स्टोरी काफी हटकर होगी, लेकिन उन्हें मिली नई बोतल में पुरानी शराब। लेकिन दर्शकों ने इस फिल्म को सिरे से नकार दिया और फिर सबकी नजरें टिक गई दिनेश लाल यादव निरहुआ की फिल्म शेरे हिंदुस्तान पर। फिल्म का ट्रेलर भी रिलीज हुआ, लेकिन फिल्म को उस तरह का रिस्पांस नहीं मिला जिस तरह से निरहुआ के और भी ट्रेलर रिलीज को मिलता है, जैसे कि निरहुआ हिंदुस्तानी 1, निरहुआ हिंदुस्तानी 2, निरहुआ हिंदुस्तानी 3 के ट्रेलर को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला, लेकिन इस ट्रेलर में वो बात लोगों को नहीं नजर आई जिसके लिए निरहुआ जाने जाते हैं। 13 से 14 घंटे के अंदर महज इसे 3 से 4 लाख लोगों ने ही देखा। लेकिन अब हम आपके सामने एक और दृष्टिकोण रखते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ पवन की फिल्मों को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और उनके एल्बम को भी दर्शक खूब पसंद कर रहे हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर जब निरहुआ चलन लंदन रिलीज हुई उसके तकरीबन 1-2 दिन के अंतराल में ही मैंने उनको सजन चुन लिया का ट्रेलर रिलीज हुआ। इस ट्रेलर ने आते ही तहलका मचा दिया और फिर एक एक करके इस फिल्म के गाने रिलीज किए गए और इन गानों ने तो भाई रिकॉर्ड कायम कर दिया है। ठीक उसी तरह जब फिल्म शेर हिंदुस्तान का ट्रेलर रिलीज हुआ, ठीक उसके एक दिन पहले पवन सिंह की फिल्म राजा रिलीज हुई। राजा रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर छा गई और अब जिस दिन शेर हिंदुस्तान का ट्रेलर रिलीज हुआ के कुछ ही चंद घंटे पहले पवन सिंह का एल्बम रिलीज हुआ अभिनंदन का अभिनंदन, जो विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान के लिए जब वो पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ रहे थे इस उपलक्ष में बनाया गया था। और जैसे ही यह एल्बम आया, इस एल्बम ने आते ही धूम मचा दी और निरहुआ की फिल्म शेरे हिंदुस्तान के ट्रेलर को वो रिस्पॉन्स नहीं मिला जो रिस्पॉन्स उसे मिलना चाहिए था। जहां एक तरफ पवन की एल्बम अभिनंदन का अभिनंदन को महज 23 घंटे में 22 लाख लोगों ने देखा, वहीं उलट शेर हिंदुस्तान के ट्रेलर को 13 से 14 घंटे में महज 3 से 4 लाख लोगों ने देखा। इससे सीधे सीधे पता चलता है कि निरहुआ की पॉपुलरिटी धीरे धीरे ही सही अब दर्शकों में गिर रही है। हाँ, लेकिन यहाँ एक बात और है कि निरहुआ की आने वाली फिल्में बैक टू बैक बहुत बड़ी बड़ी हैं, काफी हाई बजट की फिल्में हैं निरहुआ के पाले में। ये अभी निर्णय करना काफी गलत होगा, लेकिन अभी आंकड़े तो फिलहाल यही दर्शा रहे हैं कि पवन सिंह और खेसारी लाल यादव का पलड़ा दिनेश लाल यादव निरहुआ के आगे भारी है। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए।